यशवंत जी, एक अहम सवाल, ये बीजेपी के लिए राज्य चुनौती, इस बात से अजय आलोक जी का कहना है कि हम इस चुनौती से उभर आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन 38% वोट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 42%, यानी अगर ये आंकड़ा भी देखें, अगर इस आंकड़े को हम गौर से देखते हैं, यानी 2% का भी इधर उधर हुआ तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती है, यानी मामला इंटरेस्टिंग है। ये तो नहीं होगा जी, नहीं होगा। मैं उसका कारण बताऊं, ओवरऑल इंडिया में जब आप वोट शेयर देख रहे हैं तो आपको 38 और 42 का गैप दिख रहा है, लेकिन अभी अभी आपने उत्तर भारत का देखा कितना बड़ा गैप था, 15% का गैप था। वही सेम दक्षिण भारत में उल्टा है, जो विपक्ष का गैप है वो 15 से 20% बीजेपी या एनडीए से ज्यादा है। तो ये दरअसल ऑल इंडिया लेवल पे जो एवरेज आपको 42 और 38 का गैप दिख रहा है, रीजनल या राज्यों के लेवल पे ये गैप नहीं है। इनफैक्ट आपने जब उत्तर भारत के देखे, आपने वहां पे ऐसे कितने राज्य हैं जहां बीजेपी लगभग 50% तक ऊपर है, 60% तक का वोट शेयर टच कर रही है। उसी तरह दक्षिण भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी शून्य है, वहां पे उसका खाता ही नहीं है। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया के आंकड़ों में भले ही ये मुकाबला 42 और 38 यानी 4% के गैप का आपको दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है हर राज्य में मुकाबला काफी ज्यादा बड़े गैप का है, सिवाय वो 4-5 महत्वपूर्ण राज्यों को छोड़कर जहां पे कांटे की टक्कर है। और इसीलिए आपने जो राज्य गिनाए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन 3 राज्यों से ही दरअसल अंत में सारा अंक गणित और केमिस्ट्री सारी चीजें तय होगी। और मैं अजय जी की इस बात से सहमत हूं कि अभी इस समय ओपिनियन पोल में सारी चीजों में हम केवल अंक गणित देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि दरअसल कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा इन राज्यों में। महाराष्ट्र में मैंने जैसे बोला कि एनसीपी के कैंडिडेट जहां पर होंगे अजीत पवार के, वहां बीजेपी के वोटर को दुविधा होगी वोट देना है कि नहीं देना है। उसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेट का जहां पर होंगे, वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोटर दुविधा में पड़ेंगे वोट देना है कि नहीं देना है। और अजय जी के राज्य बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश जी का नाम कितना भी ऊपर किया जाए, लेकिन सच्चाई यह है आज की तारीख में इंडिया अलायंस के अंदर सबसे कमजोर कड़ी अगर कहीं पर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की आएगी, और जनता दल यूनाइटेड के जितने कैंडिडेट बिहार में लड़ेंगे वो दरअसल बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा होगा अगर वो ज्यादा कैंडिडेट देते हैं बिहार में। तो यशवंत जी, लेकिन बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र करीब 130 के करीब जो सीट बनती है, तो यहां पर अगर पंजाब की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, अब बिहार का आपने जिक्र किया, अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती, पंजाब में सीधे तौर पर हम देखते हैं वोट परसेंटेज के मामले में भी हम वहां पर देखते हैं, पंजाब का अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो सबसे जो चौंकाने वाला तो नहीं कहूंगा, यानी सबसे कम आंकड़ा वहीं साफ तौर पर दिखता है। महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है बड़ी उलझा हुआ सा गणित महाराष्ट्र में। देखिए, पंजाब बीजेपी के गणित में वैसा है जिसमें अगर वो कुछ स्कोर कर ले जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड, मतलब माइनस करके चलते हैं कि हमारा पर्चा अच्छा नहीं है। जैसे तमिलनाडु अच्छा नहीं है, केरल अच्छा नहीं है, पंजाब अच्छा नहीं है, और इन तीनों राज्यों के बावजूद भी बीजेपी 1914 में अपने बल पे मेजॉरिटी में आई थी। अब रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र क्रिटिकल है, मैंने आपको जैसे बोला, पंजाब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंजाब में इंडिया अलायंस के इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस की भरी पूरी परीक्षा होनी है जी, इसलिए पंजाब हम क्रिटिकल नाम ले रहे हैं। लेकिन दरअसल जो असली आंकड़े के हिसाब से चुनौती होने वाले राज्य हैं वो दरअसल 3 ही हैं, बंगाल, बिहार और तीसरा महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों के अलावा किसी भी और राज्य में उस तरीके का क्लोज मार्जिन वाला खेल नहीं है कि बड़ा क्लोज है, ऊंट किसी भी करवट बैठेगा इधर, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी, एक बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी 2019 में महागठबंधन के आंकड़े हम लोग ने बिहार की तरह से देखा, बिहार के बाद में जो बीजेपी ने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सबक सीख के आगे गए कि उन्होंने 50% की रणनीति अपनाई कि अपनी लाइन लंबी खींचो, 50% वोट पार करो, 50% वोट पार कर लिया तो विपक्ष कितना भी एक हो जाए आप बड़ी मातादाद में सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है यही चीज बीजेपी शायद ट्राई करेगी, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र में भी, जहां सारे विपक्ष का एका वहां पे उनके है जो भी है, कितना सक्सेसफुल होता है वो देखने की बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।